जरूरी है। सो एज दिस डेफिनेशन ऑलरेडी बीइंग रिटन ऑन द बोर्ड, यू कैन सी परमुटेशन। व्हाट इज परमुटेशन? द वर्ड परमुटेशन मींस अरेंजमेंट ऑफ द लाइक और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। यानी ये क्या होता है कि अरेंजमेंट है जो आपका परमुटेशन होता है, ये अरेंजमेंट होता है। अलाइक यानी सेम और डिफरेंट, यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को या फिर सेम ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेके आप उनकी अरेंजमेंट करवाते हो। तो उनकी अरेंजमेंट करवाते हैं तो उस इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं परमुटेशन। दिस इज कॉल्ड परमुटेशन। अरेंजमेंट मीन सिलेक्शन एज वेल एज ऑर्डरिंग। आपने सेलेक्ट भी करना है लेकिन आपने उसकी ऑर्डरिंग भी जो है वो देखनी होती है। तो इसमें ऑर्डर जो है एज वेल एज परमुटेशन में ऑर्डर इतना ऑर्डर डजंट मैटर, लेकिन आप उसकी ऑर्डरिंग भी करते हो और उसके हिसाब से परमुटेशन को लेते हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूँ आई हैव सिक्स डिजिट, ठीक है, यू हैव सिक्स डिजिट 0 1 2 3 4 5 5 2 4 8 6। अमंग दीज सिक्स डिजिट चूज any 5 digit or from 5 digit number choosing 5 at 5 numbers. So choose any 5 digit, आपको 5 कोई 5 digit आप कोई भी ले सकते हो। और आप देखोगे कि how many arrangements आप कितनी arrangement ऐसी बना सकते हो जिसमें आपने 5 लेने हैं, आपने 5 जो लेने हैं तो आप कितनी arrangement बना सकते हो। So this is called permutation। चलो इसको अगर सॉल्व करें तो देखिए 5 लेने हैं। अब वो यहाँ पे मतलब डिजिट तो 5 बनेंगे, 1 2 3 4 5 5 ही डिजिट बनेंगे क्योंकि आपने 5 ही लेने हैं। 6 में से 5 लेने हैं तो जो भी नंबर बनेगा वो 5 डिजिट का ही बनेगा क्योंकि 5 आप 5 ही नंबर लेने वाले हो। तो ऑब्वियसली दिस इज क्लियर कि यहाँ पे जो नंबर बनेगा वो 5 डिजिट का बनेगा। अब यहाँ पे क्या आ सकता है, ये 6 आपको दिए हुए हैं लेकिन बोल गया है कि 6 में से 5 लेने हैं। अब 6 में से 5 तो कोई भी ले सकते हैं ना, कोई भी 6 में से 5 ले सकते हो आप, ठीक है ना। गिवन 1 2 6 गिवन है और ये प्लेस फिल कर दी है, ये प्लेस फिल कर दी है, लेटर ऑन से प्लेस फिल कर दी है, फिर ये। इस तरीके से परमुटेशन वर्क करता है। ये प्लेस की मैं बात करूँ तो मैं कितने तरीकों से भर सकता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ ये 2 4 6 तरीकों से मैं ये प्लेस भर सकता हूँ। अब 6 में से क्योंकि एक डिजिट जहाँ फिट हो गया तो मेरे पास 5 डिजिट बचे, उन 5 में से मैं वहाँ पे लगा सकता हूँ, यहाँ 5, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 3 और फिर यहाँ 2, ठीक। आगे देखते हैं, इसमें कंडीशंस भी होती हैं। कई बार लिखा होता है रेपिटेशन इज अलाउड, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, सो दैट कंडीशंस आर ऑल्सो मैटर। सो इसको आप कर सकते हो, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। 6 5 30 एंड 32 60 एंड 60 into 12, but we get 720. तो 720 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, वी विल सी हाउ वी विल वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। चलिए तो इस क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेट्स सी। नाउ अगर आपको n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं तब आप परमुटेशन कैसे निकालोगे? परमुटेशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं NPR। और ये फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। इस तरीके से बस ये एक फॉर्मूला है जो आपके सारे परमुटेशन को सॉल्व करवा देगा, ठीक। सो लेटर ऑन इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरीके से उसको करने वाले हैं एंड देन वी विल डील विद द कंडीशंस आल्सो। चलिए तो ये है आपका एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, NPR जो है n फैक्टोरियल होगा और n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसके फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। नाउ व्हाट इज r? r क्या होगा कि r क्वेश्चन में दे रखा होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको किस चीज का इस्तेमाल करना है, कितने लेने हैं, मतलब 5 हैं, 5 दिए होंगे तो 5 में से कितने लेने हैं। एक्चुअली फॉर्म फैक्टोरियल के ऊपर बात कर लेते हैं। फैक्टोरियल का ज़्यादा ध्यान रखिएगा, कॉम्बिनेशन में भी यूज होता है फैक्टोरियल, उसके लिए आपका फॉर्मूला NCR रहता है, ये अलग से है, इसको अलग से वीडियो बनाएंगे। n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला रहता है, ठीक।
और कम्बिनेशन में ऑर्डरिंग बहुत मैटर करती है, परमोटेशन के केस में ऑर्डरिंग इतनी मैटर नहीं करती, ठीक है। डजन ऑर्डर डज नॉट मैटर बट इन कम्बिनेशन योर ऑर्डर मैटर्स, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं, जरा फैक्टोरियल को डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या होता है? एक फैक्टोरियल का मतलब होता है आपने एक से उल्टी तक गिनती गिननी है। अगर दो फैक्टोरियल है तो इसका मतलब आपने दो से दो को वापिस एक तक लेके जाना है। अगर तीन फैक्टोरियल दे रखा है तो तीन इंटू दो इंटू एक कर लोगे, ये छः होता है। अगर चार फैक्टोरियल दे रखा है तो चार तीन दो एक कर लो, तो ये चार के बारह बारह चौबीस हो जाएगा। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि वहाँ जितना भी दे रखा होता है, मान लो आपको छः फैक्टोरियल दिया है तो आपको रिवर्स में मल्टीप्लाई करोगे एक तक, रिवर्स में काउंटिंग लेके आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपके फैक्टोरियल्स को इस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक। तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो आई सी व्हाट कैन वी डू, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या। सो सी और क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड हैप्पी। चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन इजीएस्ट वन है। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वर्ड्स कैन बी फाउंड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड हैप्पी। आपने हैप्पी वर्ड लिया है और हैप्पी वर्ड से आप कितने ऐसे लेटर्स को और बना सकते हो। आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो और बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो। हम करेंगे बिना फॉर्मूले के, क्योंकि जो क्वेश्चन ईजी होंगे जो बिना फॉर्मूले के कर सकते हैं उसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़े है क्या जरूरत है। तो चलिए वर्ड आपको दिया हैप्पी, हैप्पी वर्ड दिया और कहता है कितने डिस्टिंक्ट वर्ड्स आप बना सकते हो। तो एक बात क्या हो गया कि ये सारे लेने हैं, इसमें कहीं नहीं लिखा कि आपने दो लेने हैं, तीन लेने हैं, कितने लेने हैं। इसका मतलब है आपने ये सारे लेटर्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, लेट्स सी दिस। ठीक है, हैप्पी मतलब आपने क्या करना है, जो नया वर्ड बनेगा, न्यू वर्ड, जो आपने नया वर्ड जहाँ बनाओगे तो वही लेटर से बनेगा। ऑब्वियसली उसमें भी पाँच डिजिट होंगे, दो चार पाँच यहाँ है तो पाँच यहाँ होंगे, न्यू वर्ड में भी पाँच होंगे। अब देखिए कहीं कुछ नहीं दिखा होगा कि कोई कंडीशन नहीं दी है, कंडीशन हम कंडीशन वाले करेंगे और लेटर ऑन, बट दिस इज द सिंपलेस्ट वन, नो कंडीशन आर अप्लाइड, कोई कंडीशन नहीं है। आपको सीधा वर्ड दे दिया और पूछा है कि कितने नंबर ऑफ वेज में आप उसको अरेंज कर सकते हो उसके ऑर्डर को चेंज करके। चलिए तो अब देख लेते हैं, ये मैं अगर मैं इसको देखूँ ध्यान से देखते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव। अब ये प्लेस जो आपकी पहली प्लेस है, ये कितने तरीकों से फील हो सकती है, वहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव पांच तरीकों से आप इसको फिल कर सकते हो, पांच तरीकों से हो सकती है ना ये। अगर आप देखो ये पांच तरीकों से कर सकते हो आप इसको, पांच तरीकों से आप इसको फिल कर सकते हो। इसका मतलब आपकी पहली प्लेस कितने तरीकों से फिल होगी, पांच तरीकों से। दूसरी प्लेस ऑब्वियसली अगर ये पांच है, पांच में से एक को यहाँ बैठा दिया तो कितने बचे, कितने भी अब इसमें से ये वो जो एक बैठेगा वो कोई भी बैठ सकता है। लेकिन जब यहाँ पे लेटर आ ही गया तो अब चार की जगह खाली है, तो यहाँ पे जहाँ भी आपके पास चार डिजिट बचेंगे भरने के लिए, यहाँ पे चार आएगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, आई एम सेइंग दैट कि मुझे मान लो कि मुझे वर्ड लिखना है ए एच पी पी वाई, ये वर्ड मैंने लिखना है। तो जब मैंने यहाँ पे ए लिख दिया तो मेरे पास कितने वर्ड बच रहे हैं, चार बच रहे हैं, तो वो चार को तो मैं आगे बैठाऊंगा ना। फिर यहाँ पे जब मैंने एक और वर्ड लिख दिया तो मेरे पास तीन बचे, तो सिंपल तरीका होगा पाँच इंटू चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक, ठीक। ये आप इस तरीके से अरेंज करोगे। अगर इधर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो मैं कहूँ लिखूंगा पांच फैक्टोरियल, पांच फैक्टोरियल। लेकिन ये उस केस में रहेगा जिस केस में आपके लेटर रिपीट ना कर रहे हो या डिजिट्स रिपीट ना कर रहे हो। इस केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपके जो वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, वो रिपीट कर रहे हैं। पी पी दो बार है तो कितनी बार है, पी दो बार है, दो फैक्टोरियल कर दो। तीन होगा तो तीन फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, चार होगा तो चार फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। मतलब सिंपल है, जितना रिपीट करेगा उसे डिवाइड कर दो। नाउ सी, पाँच को आप कहाँ तक ले जाओ, दो तक ले जाओ, दो फैक्टोरियल लिख दिया, इधर भी दो फैक्टोरियल लिख दिया, आपस में कट गया तो 60 हो गया। सो आप हैप्पी वर्ड को, ठीक है, डिस्टिंक्ट वर्ड्स बनाते हुए आप इसको 60 ऐसी अरेंजमेंट कर सकते हो हैप्पी वर्ड से, ठीक।
ठीक है, आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। चलिए क्वेश्चन सेकंड ऑफ दिस, दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बात कर लेते हैं। एक ही टाइप के क्वेश्चंस आज हम देखेंगे और आने वाले वीडियो में हम कंडीशनल वाली जो है वो उसको डील करेंगे। इसका पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड में हम कंडीशनल वाला भी इसका डील करेंगे। ERS पावर, पावर, पावर्स, पावर्स वर्ड है और सेम कितने डिफरेंट वेज में कितने डिफरेंट वर्ड्स आप बना सकते हो इन लेटर से, ठीक है, इन लेटर के साथ में आप कितने डिफरेंट जो है वर्ड्स बना सकते हो। तो सी कितने डिजिट है ये, 1 2 3 4 5 6, सिक्स है और इसमें से रिपीट कोई नहीं कर रहा था, आपका आंसर जो होगा वो होगा 6 factorial। सीधा याद रखिए क्यों, क्योंकि आपको लेटर तो 6 डिजिट का ही से बनाना पड़ेगा ना, समझा तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे क्या बैठेगा, या पी आएगा या ओ आएगा या डब्ल्यू आएगा या ई आएगा या आर आएगा या एस आएगा, इन छः में से हाँ कोई भी आ सकता है, मतलब यहाँ पे 6 की संभावना है, 6 आ सकते हैं। और इस केस में क्या होगा, जब 6 में से एक यहाँ बैठ गया तो 5 हो जाए, वो 5 यहाँ आ गया, वो 5 कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, तो 5 आ गया, फिर यहाँ 4 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो ये 6 factorial, ये आप देख रहे हो ये 6 factorial ही है। तो 6 factorial आप सॉल्व कर लो, कितना होता है आप इसको सॉल्व कर लो, 6 5 30, 4 3 12, 12 24, 720 होता है, तो 720 आपका आंसर हो गया इसका। तो इस तरीके से आपके ये परमुटेशन का क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक और ले लेते हैं, आई होप सो यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। अब वर्ड ले लेते हैं स्कूल, SCHOOL। आप कितने अब इसके वर्ड्स का इस्तेमाल, इसके लेटर्स का इस्तेमाल करते हुए कितने ऐसे और वर्ड्स बना सकते हो, ठीक है, ऑर्डरिंग भी ऑर्डरिंग करके, अगर सी पहले लगा दिया, एच पहले लगा दिया, ओ पहले लगा दिया, तो कितने ऐसे आपके जो है अरेंजमेंट हो सकते हैं और आपने इन सभी लेटर्स का इस्तेमाल करना है। अब चलिए देख लेते हैं, सिंपल आपका आंसर क्या होगा, आप देख लोगे 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर 6 factorial। नीचे चलते हैं, अब देख रहे हो इसमें रिपीट कितने कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 2 factorial लिख दो, तो 6 को आपने 2 तक लेके जाना है, ये 2 factorial ये आपस में कट गए, तो कितना बच गया 30, 6 5 30, 4 3 12, ये लीजिए 360 आपका आंसर हो गया, 360 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक ठीक चलो और चलते हैं, और ले लेते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर लेटर ऑन विल डील विद योर सम पार्ट ऑफ दिस। स्कूल वर्ड लिया था, देन वी कैन टेक द वर्ड अटेम्प्ट, अटेम्प्ट, ATTEMPT, अटेम्प्ट। इसमें हम सभी लेटर ले रहे हो, अभी तक कंडीशनल हमने पढ़ी नहीं है, हम उसके बाद हम कंडीशनल पढ़ेंगे कि किस तरीके से कंडीशन इसकी हो सकती है। अटेम्प्ट वर्ड को लेना है, उसके अरेंजमेंट आने, कितने ऐसे अरेंजमेंट कर सकते हो, कितने ऐसे न्यू वर्ड बना सकते हो उसको अरेंज करते हो, तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 factorial। चलिए नीचे देखते हैं, तो 1 2 3 तीन रिपीट करते हैं इसमें, तो 3 factorial लगा दो, तो कितना हो जाएगा 7 6 5 4 और 3 factorial, और ये भी 3 factorial ये आपस में कट जाएंगे, 42 और 20, तो कितना हो गया ये 2 to the 4 4 to the 8, 840 आपका आंसर हो जाएगा अटेम्प्ट के केस में। ठीक, एक और ले लेते हैं और उसके बाद 2-4 वर्ड आपको होमवर्क दे देंगे, तो उसके बाद हम कंडीशनल पढ़ेंगे कि कंडीशन क्या होगा। चलिए इस तरीके से आपको कोई याद है एक वर्ड दे दिया हो और लिखा हो कि आप इसके सभी लेटर का इस्तेमाल करते हुए कितनी ऐसी अरेंजमेंट बना सकते हो, तो आप देख लेते हो आपको एक वर्ड दे दिया है सम, ये सम, इसको आप खुद सॉल्व कीजिए, होमवर्क समझ लीजिए, सम वर्ड है, क्या आंसर होगा, आई नो दैट कि आपको पता होगा ये कैसे निकलेगा, सिनेमा, उसी तरीके से अपने सिनेमा निकाल लेना है। अच्छा इसके ऑप्शन दे देता हूँ मैं, ए वर्ड का सम का जो ऑप्शन रहेगा ए है 20, बी ऑप्शन जो है वो है 24 एंड सी ऑप्शन है 16 एंड योर डी ऑप्शन इज 30, ठीक है, और सिनेमा, सिनेमा वर्ड में ए ऑप्शन जो है व्हाट इज 120 एंड बी ऑप्शन इज 360, सी ऑप्शन इज 60, डी ऑप्शन इज 720, ठीक। और फिर इसके बाद आपका वर्ड है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और तीसरा क्वेश्चन आपके पास है रीमेक,
रीमेक, रीमेक है तो रीमेक में आपका जो ऑप्शन है वो कितना है, 720 है, बी ऑप्शन है 60, सी ऑप्शन है 360, डी ऑप्शन आपके पास है 180 और ई ऑप्शन इज नन ऑफ दी अबव। ठीक, सो ये आपका होमवर्क रहा। अभी हम आगे वाले पार्ट की तरफ चलते हैं, कंडीशनल की तरफ, कि कंडीशनल कौन कौन सी कंडीशन जो है इसमें रखी जाती है। अगर कोई अगर अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इस तरीके से बैठे हुए हैं, देखिए सर्कल में, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, n ऑब्जेक्ट्स, n n ऑब्जेक्ट्स या पर्संस, व्हाटएवर यू वांट टू से, वो बैठे हुए हैं, तब आपका जो आंसर रहेगा ना परमुटेशन, कि कितने ऐसे अरेंजमेंट बनेंगे उस केस में इसका आंसर रहेगा क्या रहेगा, ये परमुटेशन जो निकलेगा इसका वो रहेगा हमेशा ऑलवेज इट इज n माइनस 1 रहेगा। इसको याद रखिएगा, सर्कुलर पाथ अगर है तो आपका जो परमुटेशन का आंसर रहेगा वो रहेगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल कर दीजिए आपका आंसर जो है वो उसका मिल जाएगा सर्कुलर पाथ में। ये आपने याद रखना है, इसमें सर्कुलर पाथ में ऐसा होता है। चलिए तो अभी हम कंडीशन वाले देखेंगे, नाउ वी विल डील विद कंडीशंस। ठीक, कितने मिनट की होगी, 19 मिनट की होगी। कंडीशनल, चलिए ऑल वर्ड्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लेटर्स। एक वर्ड है साहिल, साहिल है, और इस केस में देखें इसमें क्या लिखा है कि ऑल वर्ड्स स्टार्ट विद फर्स्ट लेटर, ये कंडीशन आपकी। अब देखिए इसमें जरा देखेंगे कि ये वाला वर्ड तो फिक्स है, ये तो नहीं हिलेगा अपनी जगह से, ये जैसे है ये वैसे ही रहेगा, आपको जो हिलाना है वो आगे वाले को हिलाना पड़ेगा, 1 2 3 4 ये हिलेंगे, ये वर्ड अपनी जगह फिक्स है, यानी इसकी पोजीशन तो एक ही है एस एक। अब चलते हैं, अब क्योंकि एक्स फिक्स है तो आपके पास चार बचे, तो यहाँ पे चार में से कोई भी आ सकता है, तो यहाँ चार आएगा, ठीक है ना, ये प्लेस आपकी चार हो जाएगी। उस तरीके से आप देखते हो जब चार होगा यहाँ तीन होगा, यहाँ कितना होगा दो होगा और यहाँ एक होगा, ठीक है। अगर मैं सिंपल समझा तो ये चार फैक्टोरियल होगा, 4 3 2 1, ठीक है, क्योंकि ये वाली प्लेस फिल है तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल आएगा। अब इसका आंसर आप देख लो, 4 3 12 24, 24 ऐसे लेटर बनेंगे जो एस से ही स्टार्ट होंगे, लेकिन आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, जैसे पहले ए है तो एच पहले आ गया, फिर आई पहले आ गया, फिर एल पहले आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुल मिला के कितने अरेंजमेंट कर सकते हो, 24 ऐसे अरेंजमेंट कर सकते हो, ए पहले होगा फिर आई पहले होगा एच बाद में होगा एल पहले होगा आई, इस तरीके से आप इसके कॉम्बिनेशन को देख सकते हो। तो आपके पास कुल मिला के 24 ऐसे अरेंजमेंट देखने को मिलेंगे जिसके वर्ड जो है वो एस लेटर से ही स्टार्ट होंगे, ठीक। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट, तो आंसर इसका 4 फैक्टोरियल ही होगा, 4 फैक्टोरियल। चलिए नेक्स्ट कंडीशन, आंसर इज 24। नेक्स्ट साइन वर्ड है और नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है, ऑल वर्ड्स बिगिन फर्स्ट लेटर एंड विद द लास्ट लेटर। दूसरी कंडीशन आपको दी है, ऑल वर्ड्स बिगिन विद फर्स्ट लेटर एंड एंड विद लास्ट लेटर, ऐसे शुरू हो रहे हैं एल पे खत्म हो रहे हैं, एस और एल अपनी जगह फिक्स है, कितना बचा बीच में, 3 फैक्टोरियल आपका आंसर हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल,
अगर आप करना चाहते हो यहाँ पे एक, ये तीन, ये दो, यहाँ एक और ये तो है ही एक प्लेस इसकी फिल है, ये तीन फैक्टोरियल आपका आंसर मिल जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो सिक्स आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पे तीन 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 तरीकों से बंदे बैठेंगे और तीन में से जब एक यहाँ बैठ गया तो यहाँ दो बचे, फिर यहाँ एक बचा, इस तरीके से इसके अरेंजमेंट बनेगी। तो आज की वीडियो में यही रोक रहा हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हम अपलोड भी नहीं कर पाएंगे उसको, थोड़ा प्रॉब्लम आया था अपलोडिंग का। सो वीडियो को यही रोकते हुए आप आगे आने वाले कंडीशन को हम आगे आने वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया या नहीं आया। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, टेक केयर।